टू माई वॉशरूम एवरी वन, दिस इज द मॉर्निंग टाइम. ओके, सो मैंने अपने बालों को स्टाइल कर लिया है. मैंने सिर्फ कर्ल किया है, उन्हें मैं पीछे से दिखा के आपको कैसे लग रहे हैं. आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह मेरी आंखें और मेरा पूरा फेस ऐसे सूजा हुआ रहता है. आई लाइक टू यूज आइस पैक्स, दीज आर कूलिंग पैक्स. ओके, 1 रुपए में मिलता है मार्केट में. और मेरे पास ऐसे 5-6 पैक्स है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के. दिस इज द बिगर वन दैट आई हैव, एंड आई जस्ट लाइक टू प्रेस इट ओवर माय आइज लाइक दैट. आई विल डू दिस फॉर एटलीस्ट आई डोंट नो हाफ अ मिनट. बाय द वे, ये जो कूलिंग पैक था ना, ये फ्रीजर में रखा हुआ था. ओके, थोड़ा रेड हो गया मुझे यहाँ पे. That's my dark circles also. Moving on to clay mask. Okay, so this is the one that I will be using on my face today. This is by Innisfree. This is their super organic pore clay mask 2x. बहुत ही अच्छा clay mask है ये, especially for oily combination skin. So once a week I like to apply clay mask on my face. So I'm gonna be taking this much. I will be only applying this on my T-zone. ये क्ले मास्क क्या करेगा, दिस इज गोना एब्जॉर्ब ऑल द डर्ट एंड एक्सेस ऑयल एंड गंग फ्रॉम द डीप लेयर ऑफ माय स्किन और उसे वो सरफेस पे ले आएगा. सो आई एम गोना सी यू इन 10 मिनट्स एक्चुअली. ऑलराइट, 10 मिनट्स आर डन. अब मेरे पास मग्गे में पानी है और मैं पानी का यूज करते हुए अपने मास्क को ऐसे रब करती जाऊंगी. ऐसे में यू कैन सी वाटर, क्योंकि मास्क को निकालने में टाइम लगता है. और अगर मैं सिंक के नीचे ही काम करती ना तो आई कुड हैव वेस्टेड सो मच वाटर. मास्क निकल गया और ये रहा हमारा पानी जितना हमने यूज किया. नाउ आई एम गोना बी यूजिंग अ फेस वॉश टू वॉश माय फेस. कभी कभार मैं फेस वॉश पहले यूज करती हूँ फिर क्ले मास्क यूज करना पसंद करती हूँ. सो करेंटली आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट फेस वॉशेस. ओके, एंड दिस इज वन ऑफ देम. दिस इज डर्मा वाइब हाइड्रा क्लिनजर फॉर सेंसिटिव स्किन कंडीशन. इट डजंट रियली लैदर मच, बट एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन के लिए काफी अच्छा फेस वॉश. इट्स अ वेरी जेंटल फेस वॉश. ओके, सो मॉर्निंग में मुझे ये फेस वॉश यूज करना अच्छा लगता है. फेस इज ऑलरेडी वेट, सो आई विल बी अप्लाइंग इट लाइक दैट. स्किन केयर इज सो रिलैक्सिंग एंड थेरेप्यूटिक यू ऑल. सो नाउ आई एम गोना गो वॉश माय फेस. आई विल बी राइट. ऑलराइट, आई एम बैक एंड नाउ आई एम गोना बी यूजिंग माय फेस टॉवल टू पैट ड्राई माय स्किन. एक और टिप मैं आपको देती हूँ, अपने टॉवल का ऐसे रफ साइड लेने का और उसे लिप्स पे ऐसे अप्लाई करने का टू रिमूव द डेड स्किन सेल्स फ्रॉम योर लिप्स. जो पूरा फेस था वो थोड़ा मॉइस्ट है, लिप्स भी मॉइस्ट है, तो आसानी से डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं. ओके, सो इट्स लाइक नेचुरल लिप स्क्रब. एंड द नेक्स्ट टिप इन माई स्किन केयर रूटीन इज अप्लाइंग लिप बाम. मेरे लिप्स बहुत जल्दी चैप्ड हो जाते हैं एंड आई जस्ट नीड टू हाइड्रेट देम. मैं दिन में 50 बार तो लिप बाम लगा ही लेती हूँ. एंड दिस इज बाई प्लम दैट आई एम यूजिंग. दिस इज दैट कैंडी मेल वीगन लिप बाम बेल एंड बबल यम. इट टेस्ट सो गुड. इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्ड हुड. आई डोंट नो वाई. ओके, माई लिप्स आर लुकिंग जूसी एंड आई हैड मैंगो लाइक 3 days back एंड कैन यू सी I got a pimple there. You all know that your girl Shalini never skips her toner. And this is the one that I'm currently using again according to my skin type. This is by Believe. This is their Eucalyptus Herbal Extract Toner. And I'm going to take the toner in my palm and then I'm going to pat my skin. So relaxing, it's such a good toner. I got this toner from Believe's official Indian website. It's on the pricier side, but iske alawa bhi dusre affordable toner hai jo main use karna pasand karti hu. For the past 5 years I have struggled with so much acne and hormonal acne because of this condition which I was diagnosed 5 years back, PCOD. And one of the symptoms of PCOD is that you will get hormonal acne. And zaruri nahi ki sabko same symptom ho, but mujhe ye wala symptom tha. So my face used to be so swelled up and I used to get lot of acne especially on my cheeks and chin. And I've changed like 3-4 dermatologists uske baad se. I've tried so many different products and now I think I know what really works for my skin and what really doesn't work for my skin. And ever since I started including active ingredients on my skincare regimen routine and started reading about active ingredients and treatment creams, my skincare game has like completely changed for good. So talking about treatment cream, the next step is applying treatment serum on my face. So this is 10% niacinamide serum and this is my second bottle of this serum. Is serum ki khasiyat ye hai ki this is anti-inflammatory, so ye acne marks aur acne scar ko kam karne mein help karta hai. And it's a very safe product to use. So usually I just like to do this, but mujhe mere subscribers aap hi log bolte rehte ho ki aisa mat kiya karo Shalini, apne fingers ka use kiya karo. ओके, फॉर सैनिटाइजेशन पर्पस मैं वही कर रही हूँ.
and I'm just gonna apply this and massage it into my skin. Okay, and this is by the brand Dermaco, by the way, one of my favorite brand. This is, I also like to apply this under my eyes. I feel like it also reduces the dark circles under my eyes, so it leaves under eye serum just a use karna pasand karti hu. Or summers mein I don't like to overdo with skincare, you know, and I don't want to use product that can like make my skin more oily in the end of the day. Alright, serum अच्छे से absorb हो चुका है. So इसके अलावा भी I have serums and active ingredients that I like to use. So next step is obviously applying sunscreen. I never skip on my sunscreen, you know, and this is one step that has not changed in my skincare routine. And thanks to my mom, you know, वो मुझे कभी भी school without sunscreen या college without sunscreen नहीं भेजा करती थी. And this is my Rickwell Ultra Matte Dry Touch sunscreen, really good quality sunscreen. This is it also works as a primer for makeup, like a good primer. So I've taken this much. अभी I'm applying this on my T-zone area, yahan pe pehle, and then I'm just gonna blend it. So it takes a while to blend into the skin, okay? Or isko blend karne ke baad, you have to wait for at least 10 minutes ताकि अच्छे से skin पे absorb हो जाए, वरना ऐसे white white सा दिखता है. और अच्छी बात ये है इस sunscreen की, हम इसे eyelid के ऊपर और under eye पे apply कर सकते हैं. I mean, I hate it when some sunscreen just burn your eyes, you know, but this one never does that. It is just वैसे एक और स्टेप भी कर सकती हूँ अभी, दैट इज अप्लाइंग दिस लिप इंजेक्शन. ओके, सो दिस इज टू फेस लिप इंजेक्शन एक्सट्रीम इंस्टेंट लॉन्ग टर्म लिप प्लम्पर. मुझे पता आप लोग बोलेंगे शालिनी यू डोंट नीड लिप प्लम्पर, यू ऑलरेडी हैव लाइक प्लम्प्ड एंड फुल लिप्स. आई नो दैट, बट आई जस्ट लव टू लाइक प्लम्प माय लिप्स मोर. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस. सो आई विल सी यू इन 10 मिनट्स. Alright, 10 minutes are done, I'm back. We are going to start with the makeup. The first product that I'm going to be using is orange color corrector. I'm a woman of color and I have pigmentation under my eyes and around my lips, so I always like to use color corrector. Agar main ise use nahi karungi na, my foundation just looks so ashy and doesn't look good on the skin, so I always use color corrector around my lips only. Depending upon your skin tone, you can use different color corrector. It's like peach color corrector jo aap use kar sakte ho, but I'm using orange color corrector and I'm going to be patting it into my skin like that, making sure ki acche se ye blend hua hai. And this is the concealer that I'll be using. This is in the shade Caramel by Maybelline Age Divine, and I'll be applying this under my eyes. Okay, first, and then around my lips. I won't be using any foundation today, so I'm going to be using my concealer as like a foundation to give me like sheer coverage. Never forget your neck and then forehead area like that. To blend my concealer, I'll be using this foundation brush by Pac. लोगों को ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज करना पसंद है. अभी तक मैं कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने में. आई डू प्रैक्टिस विद ब्यूटी ब्लेंडर, यू नो, एंड आई ऑलवेज एंड अप लाइक नॉट लाइकिंग माई मेकअप. बट ऐसा नहीं है कि ब्यूटी ब्लेंडर से यू वॉन्ट गेट गुड फिनिश, बट आई फील लाइक फाउंडेशन ब्रश जस्ट वर्क सो फास्ट, लाइक डैब 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 एंड यू आर डन. कैन यू सी आई एम लाइक ऑलमोस्ट डन. Can you see the foundation looks a bit ashy here because I have like darker forehead. वो हम लोग अभी ठीक कर देंगे थोड़ी देर में. Then I'll be using a lighter shade concealer to highlight under my eyes. पहले मैं ये step नहीं किया करती थी, but I've seen the difference on my face itself. My face looks like awakened and lifted up. So I have started doing this. So inner corner पे और outer corner पे, little bit on my T-zone area, on my chin. That's it. Okay, and then using my concealer brush. This is by Pac again. अभी ब्लेंडिंग दी इनर कॉर्नर्स. इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर देता है, आप लोग देखोगे अभी. कैन यू सी यहाँ पे. Now I'll be using Innisfree's No Sebum Mineral Loose Powder. अच्छा पाउडर है ये, ओके, और ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये, ऐसा कुछ दिखता है. और मैं अपना पाउडर ब्रश यूज करूंगी. दिस इज बाय कप्स एंड लैशेस. और इसमें अच्छे से निकाल लेती हूँ मैं इसको थोड़ा, एंड देन आई एम गोना प्रेस इट अंडर माय आईज अच्छे से एंड ओवर माय आईज. सो मेरे आईलिड ना बहुत ही जल्दी ऑयली हो जाते हैं. सो इट्स अ गुड पाउडर लाइक नो सीबम. ओके, और जो भी बच गया होगा उसमें चीक्स पे और
नेक पे फोरहेड घर में जा चुकी है, लाइट बिजली चली गई है. सो अब हमारे पास नेचुरल लाइट है तो हम लोग नेचुरल लाइट में कंटिन्यू करते हैं मेकअप को. सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस बॉडी ग्लो आईब्रो प्रोडक्ट. आप लोग देख सकते हो इसकी पैकेजिंग तो पूरी जा चुकी है. सो इसमें हुआ करता था एक प्रोडक्ट साइड लाइक द जेल साइड, वो जेल साइड भी सूख चुका है बट हमारे पास स्पूली है, ये छोटू सा स्पूली जस्ट परफेक्ट फॉर द आईब्रोज. सो आई बी कॉम्बिंग माई आईब्रोज इन द अपर स्ट्रोक लाइक दैट एंड देन यूजिंग द प्रोडक्ट साइड जो कि ऐसे एंगल शेप में आता है, आई बी फिलिंग अप माई आईब्रोज. तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का स्ट्रोक देना शुरू करूंगी लाइक दैट एंड देन यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दूंगी एंड आई विल बी शेपिंग माय आईब्रोज इन एन आर्क. कैन यू सी द डिफरेंस? ओके ठीक है. आई एम नॉट बी यूजिंग दिस आईब्रो मस्कारा टू सेट माय आईब्रोज इन प्लेस, दिस इज बाय नायका और थोड़ा सा सेपरेट भी करने में हेल्प करता है आईब्रो के हेयर को. तो मैं यहाँ पे ना ऊपर स्ट्रोक देती हूँ और यहाँ पे ऐसे एंगल में स्ट्रोक देती हूँ मैं हल्का हल्का एकदम. मूविंग ऑन टू ब्लश नाउ, मैं कॉन्ट्रोल नहीं करूंगी मेरे चीक्स को बट मैं नोज को कॉन्ट्रोल करूंगी. ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये डस्टी रोज ब्लश, दिस इज बाय के ब्यूटी. कितना बड़ा पैन है, जस्ट लुक एट द पैन. ओके सो आई बी पेइंग दिस ब्लश इन दिस ब्लश ब्रश ऑफ माइन, टैपिंग ऑफ द एक्सेस. ठीक है और फिर मैं ऐसे जहाँ पे मैं कॉन्ट्रोल करने वाली थी ना वहाँ पे इस ब्लश को प्लेस करना शुरू करूंगी एंड देन अपने चीक बोन्स पे अप्लाई करूंगी लाइक दैट. I always use more than usual क्योंकि blush is the first product that just fades away from your face. और अभी ज़्यादा लग रहा होगा आपको बट देखना पूरा मेकअप जब कंप्लीट हो जाएगा it's gonna look so light. Okay, so one side is done. I'm definitely a blush person. You know, I never used to be that person, but now I just like blush में डूबो तो मुझे नहलाई दो, blush में काम करो. नाक पे भी apply करना पसंद करती हूँ थोड़ा सा chin पे. ओके मूविंग ऑन टू आईज नाउ, इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये कलर आइकॉन पैलेट. मैं ये वाला कलर यूज कर रही हूँ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश में, टैपिंग ऑफ द एक्सेस. उसके बाद इसमें अप्लाई करूंगी क्रीज लाइन पे ऐसे. सो आई लाइक टू गो इन स्वाइप स्वाइप मोशन और यहाँ पे ऐसे विंग क्रिएट करने की कोशिश करूँ एकदम फेडेड विंग. अब इसी पैलेट में से मैं ये वाला कलर पिक कर रही हूँ सेम ब्रश की मदद से एंड आई एम गोना कॉन्टोर माई नोज. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर कॉर्नर टू द टिप ऑफ माई नोज आई एम गोना क्रिएट टू स्ट्रेट लाइन्स एंड डजंट हैव टू बी लाइक प्रिसाइज कॉन्टोर. और मैंने ये वाला कलर इसलिए यूज किया बिकॉज इट्स लाइक सो लाइट एंड यू कैन बिल्ड द कॉन्टोर इफ यू वॉन्ट टू एंड यू नेवर गो ओवर बोर्ड विद दिस कलर. एंड वन लाइन हियर. ठीक है कैन यू सी माई नोज लुक्स? सो नाउ वी विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट. जो भी प्रोडक्ट बच गया उसे मैं फोरहेड पे अप्लाई कर देती हूँ ताकि हमारा फोरहेड एशी ना लगे. एंड वन मस्कारा आई बी यूजिंग टू फेस रेडिडेंट सेक्स मस्कारा, दिस मस्कारा इज bomb.com. अब मैं आपको बताती हूँ मस्कारा मैं कैसे लगाती हूँ. ठीक है सो यहाँ पे हमें जाना है इन द इनवर्ड डायरेक्शन. ओके अपर स्ट्रोक वी गो थ्रू योर आईलैशेस एंड गो इन द अपर स्ट्रोक एंड देन यहाँ पे इन एन एंगल. ठीक है और इनर कॉर्नर पे इनर कॉर्नर की डायरेक्शन पे और मस्कारा कुछ ऐसा लगता है. अब मैं बताती हूँ लोअर लैशेस में मैं कैसे लगाती हूँ. ठीक है सो यू वांट टू गो एज क्लोज टू योर लोअर लैशेस एज पॉसिबल. ठीक है एंड बेसिकली आपको ऐसे काजल इफेक्ट देता है ये. सो टचिंग माई लोअर लैशेज लाइक लेजिट टचिंग माई लोअर लैशेज विद इट. हुर्री एवरीवन लाइट आ गई. सो नाउ यू कैन सी माई मेकअप. ओके सो काजल वाला लुक हमें मिल चुका है. सो अब हम लेंगे पेंसिल ब्रश. ठीक है पिक करेंगे डार्क ब्राउन कलर इस आई शेडो पैलेट में से. जो भी ऐसे मेस्ड अप मस्कारा लग रहा है ना यहाँ पे उसे कवर करने की कोशिश करेंगे. सो बस प्लेस करते जाना है. देन आई बी यूजिंग दिस वाइट कोल काजल. ओके एंड आई बी अप्लाइंग दैट ऑन माई वाटर लाइन. ये हमारी आँखों को खोलने में मदद करेगा और मैं बहुत रेयरली ये वाला स्टेप करती हूँ. मैं कभी कभार ना क्या कहते हैं ब्लैक काजल भी यूज करती हूँ. ठीक है एकदम ओपन कर दिया उसने मेरे आईज को. उसके बाद हमको ना गो ओवर इट में मस्कारा अगेन जस्ट टू मेक श्योर कि जो व्हाइट लाइन है ना एकदम लोअर लैश लाइन पे ना गई हो. अभी ठीक है अब बारी आती है लिपस्टिक की. फॉर लिपस्टिक आई बी यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लिपस्टिक. सो वन इज अ ब्राउन कलर न्यूड ब्राउन कलर. सो आई बी अप्लाइंग दिस ऑल ओवर माय लिप्स एक्चुअली
एंड वंस दिस विल बिकम अ बिट ड्राई के बाद हम दूसरा लिपस्टिक अप्लाई करेंगे. वांट टू नेक्स्ट लिपस्टिक, दिस इज अ मॉवी पिंक लिपस्टिक, दिस इज बाय लैक्मे. ओके एंड आई बी अप्लाइंग दिस जस्ट ऑन द सेंटर यहाँ पे एंड विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स आई एम गोना ब्लेंड दोस लिपस्टिक टुगेदर. ओके मूविंग ऑन टू लास्ट स्टेप, दिस इज मैक प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस. सो विद सम डिस्टेंस यू वांट टू स्प्रे इट. आई नेवर स्किप ऑन माई सेटिंग स्प्रे स्पेशली व्हेन आई नो दैट इट्स अ समर मेकअप लुक. और जो भी पाउडर प्रोडक्ट होता है ना, सेटिंग स्प्रे हेल्प्स इन ब्लेंडिंग अवे ऑल द पाउडर प्रोडक्ट एज वेल. सो नाउ आई एम गोना फैन माई फेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. और मैंने कहा था ना ब्लश हल्का हल्का सा कम दिखेगा, कैन यू सी ब्लश कम लग रहा है. ओके सो दिस इज द कम्प्लीट लुक. आई ऑल्सो क्विकली वेंट अहेड एंड वॉर दिस साड़ी. दिस इज माई सिस्टर्स साड़ी, सो प्रिटी. ओके ये पेस्टल ग्रे कलर की साड़ी है एंड आई जस्ट लव इट. इट ऑल्सो हैज दिस ब्यूटिफुल वर्क इन इट. आई एम वेयरिंग दिस टॉप एज अ ब्लाउज दैट आई गॉट फ्रॉम ज़ारा एंड आई बी वेयरिंग दिस झुमकीज. ये वाली जो झुमकीज है ना, ये मैंने सरोजिनी नगर मार्केट से खरीदी थी 2019 में, जब मैं गई थी दिल्ली तब खरीदी थी मैंने. वेट, वी आर नॉट डन. आई बी वेयरिंग दिस परफ्यूम. दिस इज इंग्लिश डॉन गार्डेनिया बाय बॉडी शॉप. इट स्मेल्स सो गुड. ओह माय गॉड, आई जस्ट नीड अ पार्टी टू गो टू. आई एम रिमूविंग माय क्लिप्स नाउ. और आई गेस दिस इज द बेस्ट आई कुड डू विद द हेयर. आई मीन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ बालों का. सो वी आर जस्ट गोना लीव इट लाइक दैट एंड दिस इज द फाइनल लुक. What do you guys think? Where am I going? Nowhere. I'm going downstairs, living room mein. This makeup look is so wearable. Definitely try to recreate this look. Agar aapko aaj ka ye video pasand aaya, then please make sure to subscribe to my channel if you haven't already. Like this video, share this video with your friends and family. And I'll see you next time with brand new content for this channel. Bye bye, you all. Take care.